आइए अब आपको विस्तार से खबरें दिखा देते हैं। प्रयागराज में अनुसूचित जाति के एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के केस में दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी सामने आई है। एफआईआर के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर रंजिश में परिवार को दबंगों ने निशाना बनाया। पहले भी इस परिवार के साथ मारपीट हुई, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि 4 लोगों की हत्या कर दी गई। पति पत्नी और बेटा बेटी, इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या से पहले बेटी और मां के साथ गैंगरेप का भी मामला सामने आ रहा है। एसएचओ और एक पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। सरकार ने 16.5 लाख की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। हमारे साथ संजय त्रिपाठी, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, यकीनन बहुत चौंकाने वाला मामला है और इस मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले भी इस बारे में जानकारी दी गई थी प्रशासन को। बिल्कुल दी गई थी अखिलेश, और निश्चित रूप से पुलिस की लापरवाही का एक नमूना है। किस तरह से पुलिस की लापरवाही भारी पड़ी एक दलित परिवार पर, जिसके 4 लोगों की हत्या कर दी। मामला रास्ते के एक विवाद का था। मोहनगंज गोरी, जो प्रयागराज का एक मोहल्ला है, वहाँ ये दलित परिवार रहता था और करीब ही रहने वाले एक दबंग परिवार से उनका रास्ते को लेकर विवाद चलता था। कई बार दबंगों ने इस परिवार पर हमला किया, जिसकी एफआईआर दर्ज की गई है सितंबर महीने में 2 बार। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के बजाय समझौते का दबाव लगातार पीड़ित परिवार पर डाला, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो दबंग थे उनके हौसले इतने बढ़ गए कि उन्होंने परिवार के 4 लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। एक खौफनाक वारदात सामने आई है, एक दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, और बेटी के साथ में बलात्कार करने की बात भी जो परिजनों ने, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, उन्होंने कहा है, और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की धाराओं को भी जोड़ा गया है। तो जो 11 लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं, उनमें से भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है। पुलिस ये जरूर कह रही है कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार किए जाने की बात पुलिस की ओर से पुख्ता नहीं हो रही। निसंदेह ये पूरी तरह से लापरवाही कही जाएगी पुलिस की। लेकिन सवाल ये भी है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, क्यों, आखिर क्या वजह बताई जा रही है? क्या दबंगों के प्रभाव में थी पुलिस, या फिर किसी और तरीके से कोई कुछ और जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, बताया जा रहा है कि दबंगों के जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, उनमें से एक जो सिपाही था वो उस परिवार में रिश्तेदारी रखता था, दबंगों परिवार में। तो वो लगातार इस पूरे मामले में, चूंकि SC ST का मामला भी दर्ज था, तो दबाव बना रहा था कि समझौता कर लें, सुलह कर लें, और पूरी तरह थाना अध्यक्ष फाफा मऊ पर आरोप लगे कि उन्होंने भी दबाव बनाया कि इस मामले में सुलह समझौता करके निपटा लें। नतीजा ये हुआ कि परिवार वाले अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, और दूसरी तरफ दबंगों के चूंकि परिवार वाले रिश्तेदार पुलिस में थे, तो उनका हौसला बढ़ रहा था, और यही हुआ अंत में 4 जो दलित परिवार के लोग हैं उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, और इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चलिए संजय, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और मदद का भरोसा दिया। प्रियंका ने यूपी की सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। परिवार है जिनके परिवार की हत्या की गई है, ये उनके भाई हैं, ये SSB में झारखंड में काम करते हैं, मतलब इस देश की सुरक्षा को ये देखते हैं, ये करते हैं, और ये उस एरिया में काम करते हैं जहाँ पे नक्सल बहुल एरिया है, तो ये देश की सुरक्षा कर रहे हैं, और इनको क्या मिल रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ, इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? दहशत में है परिवार, सब परिवार के सदस्य ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि हमारे साथ क्या होगा। महिलाएं हैं सारी, एक पुरुष हैं जो झारखंड में काम करते हैं, उनको घबराहट हो रही है कि वो अकेले अकेले क्या करेंगी। जो यहाँ के जो 2 पुलिस वाले जो हटाए गए हैं कल, महिलाएं मुझे बता रही थी कि जब वो जाती थी उनको कंप्लेंट करने के लिए, तो मजाक करते थे इनका, हंसते थे इन पर। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ऐसी परिस्थिति को देख के जो जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, ऐसी परिस्थिति को देख के, ये देख के कि किस तरह से इन लोगों के साथ किया जा रहा है, कैसे चुप रह सकते हैं। उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने प्रियंका के प्रयागराज दौरे पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ नेता 4.5 साल घर में रहते हैं और चुनाव आते ही बाहर निकल आते हैं। कि कुछ राजनेता, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करता हूँ, कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनकी उपस्थिति
अगर दर्ज कराने की कोई बात करता है तो लोग कहते हैं भाई 4.5 साल बीत जाने दो, चुनाव आएगा तो महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले वो सारे महत्वपूर्ण नेता दिखाई पड़ेंगे। हैं तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जहाँ के नेता चुनावी मौसम में आते हैं, आना भी चाहिए उनको, क्योंकि 4.5 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसका नेतृत्व काम करता है, पूरे 5 साल तक का काम करने की प्रवृत्ति है। ABP News आपको रखे आगे।